मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन है आज। ओबीसी आरक्षण पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने स्थगन प्रस्ताव का समर्थन किया है, तो वहीं सदन में सीएम शिवराज का बयान भी सामने आया कि शांति से सदन में चर्चा की जाए, जब मैं बोलूं तो कोई बीच में ना बोले। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया और उन्होंने ये भी कहा कि शांति से चर्चा की जाए ताकि शांति से सदन की जो कार्यवाही है वो चलती रहे। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि एमपी पर 2,53,335 करोड़ का कर्ज है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 14,000 करोड़ का कर्ज लिया गया। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बिना विधानसभा में चर्चा के साल 2019 का परिसीमन निरस्त हुआ। बीजेपी ओबीसी का आरक्षण छीन रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चलते ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी है, ये मंत्री विश्वास सारंग की तरफ से कहा गया।